तो हेलो गाइस, अरोमा सेनपाई की एक और वीडियो में तुम्हारा स्वागत है, जहां मैं आज तुम्हें थोर लव एंड थंडर की एंडिंग बताने वाला हूं जो लीक हो चुकी है। मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर पहले ही हो चुका है एंड लोगों के स्पॉइलर रिव्यू आने चालू हो गई हैं, बट इसी के साथ साथ बहुत सारे लीक्स भी निकल के आ रहे हैं। थोर लव एंड थंडर की मूवी को लेकर उसके दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन लीक हो चुके हैं एंड और साथ में पिक्चर की एंडिंग भी। तो अगर तुम इस वीडियो पर क्लिक कर रहे हो तो ये तुम्हारे ऊपर है, बाद में मुझे मत कहना कि स्पॉइलर दे रहा है। जितने भी लीक्स निकल कर आए हैं वो सभी 90% एक्यूरेट है, बाकी 100% कन्फर्म तब हो जाएगा जब थोर लव एंड थंडर इंडिया में रिलीज़ हो जाएगी, तो सब कुछ पता चल जाएगा। और मैंने अलग से दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन पर एक वीडियो बना रखी है, उसे एक्सप्लेन किया है, तो वो चेकआउट करना मत भूलना। एंड इस बार भी तुम्हारी वजह से मैं इंट्रो नहीं लगाने वाला कि बिकॉज यू गाइस फकिंग हेटेड, एम आई राइट और नो, कमेंट्स में बताना। मूवी के एंडिंग के बारे में बात करें तो हमें लास्ट आवर में देखेंगे कि थोर ज़्यूस को समझाने की ट्राई करता है कि तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो और गोर द गॉड बूचर उसे मारने के लिए कभी भी आ सकता है। बट मुझे ये लीक थोड़ा सही नहीं लगता क्योंकि ज़्यूस को शुरू के आधे घंटे में ही मर जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, कमेंट्स में बताना। बट फिर भी लीक के बारे में बात करें तो ज़्यूस थोर और उसकी गैंग की बात नहीं मानता एंड उसे लगता है कि कोई भी गॉड उसे नहीं मार सकता एंड वो बेचारा थोर के पीछे पड़ जाता है एंड उसे लगता है कि गोर नहीं बल्कि उसका एनिमी थोर है एंड वो वहाँ पर उससे मारने के लिए आया है, जिससे हम ज़्यूस का माइंडसेट देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा कावड़, हरामी और एरोगेंट है। एंड तुम इसी वजह से दोनों गोड्स के बीच में एक 5 मिनट की बैटल सीक्वेंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें थोर और माइटी थोर ज़्यूस को डिफीट कर देंगे एंड वैल्करी ज़्यूस की जो लाइटनिंग बोल्ट होती है उसको ज़्यूस से छीन लेगी। और ये चीज़ तुमने ट्रेलर में भी देखा था कि वैल्करी ज़्यूस की लाइटनिंग बोल्ट से गोर द गॉड बूचर पर अटैक कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे मूवी कंटिन्यू होती है थोर को ये रियलाइज़ हो जाता है कि जेन का जो कैंसर है वो उसके माइटी थोर वाले वर्जन में बनने की वजह से उसके अंदर बढ़ता जा रहा है एंड उसका बॉडी का कैंसर पहले से भी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। लेकिन जेन इसको इग्नोर करके अपने माइटी थोर वाले वर्जन में फिर भी लोगों की हेल्प करती है, जो उसको और भी ज़्यादा म्योनिर के वर्दी बनाता है। थोर जेन को रोकने की भी ट्राई करता है कि वो उसे अपनी पावर्स दे दे, लेकिन जेन अपनी पावर्स को देने से मना कर देती है और अपने माइटी थोर वाली वर्जन में गोर से कंटिन्यूसली फाइट करती है। मूवी में जब फाइनल फाइट स्टार्ट होती है तो जेन वहां पर म्योनिर को यूज़ करती है फाइनल बार एंड गिव अप बिल्कुल नहीं करती। लेकिन हमने पिछले लीक्स में डिस्कस किया था कि जेन फाइनल फाइट में जब अपनी माइटी फॉर्म में अपनी फुल पावर्स को यूज़ करेगी तो उसकी वजह से जेन फोस्टर की डेथ हो जाएगी और उसकी सारी पावर्स वापस थोर के पास चली जाती हैं एंड थोर को फिर से म्योनिर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो ओवर पावर्ड हो जाता है एंड स्टॉर्मब्रेकर तो उसके पास पहले से ही था। एंड जो फाइनल फाइट में थोर गोर द गॉड बुचर से रिवेंज लेने के लिए आता है, बट इस फाइट का जो फाइनल आउटकम है वो भी लीक हो चुका है, तो तुम स्पॉइलर देख लेना इस पर। उसके बाद हम देखते हैं कि गोर माइटी थोर का सेक्रीफाइस देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है एंड वो सोचता है कि सभी गोड्स एक जैसे नहीं होते, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो गोड्स को आगे के लिए नहीं मारेगा। लेकिन फिर भी फाइनल फाइट में हम देखते हैं कि गोर की डेथ हो जाएगी एंड किसी तरह उसके डॉटर फिर से जिंदा हो जाएगी, जो थोर के साथ टीम अप करके एक न्यू एडवेंचर पर चले जाएंगे जो थोर 5 को आगे सेटअप कर रही है। एंड उसके बाद पिक्चर में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन आते हैं, जिसमें हमें हरक्यूलिस जो ज़्यूस का बेटा है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का दिखाया जाता है कैमियो, जो वॉल्यूम 3 को आगे सेटअप कर रहा है। एंड ये मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, तो तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।